नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैथो फार्मा चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, सिल्डेनाफिल का या फिर टाडालाफिल का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल ये दोनों ही फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर हैं, जो कि पेनिस सेक्शन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं सेक्स के वक्त पे, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्लेजर पाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज का जो टॉपिक है, सक्सेस रेट ज़्यादा किसका है, सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल का। तो क्लिनिकल ट्रायल जो होती हैं, तो उस क्लिनिकल ट्रायल में दोनों ही ड्रग ने एक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रूव किया है। लगभग 80% लोगों में इसका जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आया है, जो भी सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल इस्तेमाल करता है। लेकिन एक चाइना में स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि जो कपल्स हैं, पुरुष और उनके जो वाइफ जो कपल हैं या फिर फीमेल पार्टनर हैं, ये सबसे ज़्यादा जो हैं टाडालाफिल या टाडालाफिल के कॉम्बिनेशन को है ज़्यादा प्रिफर करते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। एक दूसरी स्टडी कंडक्ट हुई थी इटली में, जिसमें यह पाया गया कि 73% जो है मेल और उनके जो फीमेल पार्टनर हैं, ये टाडालाफिल प्रिफर करते हैं सिल्डेनाफिल के कंपैरिजन में। तो दोनों ही ट्रायल में रिजल्ट दोनों का अच्छा आया, जो सिल्डेनाफिल ले रहा है या टाडालाफिल ले रहा है, दोनों में ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करें तो लोगों ने टाडालाफिल को ज़्यादा प्रेफर किया है सिल्डेनाफिल के। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों मेडिसिन जो हैं आप कंसल्टेशन करने के बाद ही रहें, आपकी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, डाइट है, उस हिसाब से ही आपको ये टेबलेट जो है लेनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।